रविवार की देर शाम बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 ई आवास संख्या 1282 में लगभग 35 वर्षीय महिला ने पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर सेक्टर 12 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। सेक्टर 12 थाने के प्रभारी जय गोविंद गुप्ता ने बताया कि महिला के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें आत्महत्या करने की बात कही गई है। पुलिस अब उस आधार पर जांच कर रही है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक महिला मिथिलेश निषाद के पति राम नारायण प्रसाद मिश्रा बोकारो सेल में एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने पुलिस को लिखित प्रतिवेदन में बताया कि इस मामले पर किसी तरह का या किसी पर कोई संदेह नहीं है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। 7 बजे शाम में सूचना मिली कि सेक्टर 12 क्वार्टर नंबर 12/82 में एक महिला पंखा के सहारे फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है। सूचना पर हम लोग आए, देखे कि उनकी बच्ची और उनके परिजन जो है फंदा को काट करके बेड पर रख दिए थे और रूम से एक सुसाइड नोट में मिला है, जिसमें वो अपना आत्महत्या की बात स्वीकार करते हुए लिखी हुई है और इसमें किसी पर भी कोई शंका संदेह नहीं है, आत्महत्या का ही मामला है। उनके हस्बैंड रामनारायण प्रसाद निषाद जी से लिखित प्रतिवेदन लिया गया है, जिसमें किसी पर शंका संदेह व्यक्त नहीं किए हैं और आत्महत्या का ही मामला स्पष्ट रूप से है और आगे हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं। मृतक का नाम क्या है सर? मिथिलेश, मृतक का नाम है मिथिलेश निषाद। उम्र क्या होगा सर? उम्र लगभग 35 वर्ष है। कहाँ के रहने वाली है? ये यूपी की रहने वाली हैं और इनके पति जो है आयोनेक्स में सर्विस करते हैं सेल में।